हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईद स्पेशल डेजर्ट बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये आधा किलो दूध ले लिया है और ये कुछ सेवैयां ले ली हैं। और अब हम डेजर्ट बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ये गैस पे एक कढ़ाई रख ली है और इसमें अब हम ये दूध डाल देंगे और दूध को 2 से 3 उबाल आने तक अच्छे से पका लेंगे। दूध में जब तक 2 से 3 उबाल आए, जब तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। दूध को हम बीच में ऐसे लाते जाएंगे और 2 से 3 उबाल आने तक इसको पका लेंगे। बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे लगे ना। इनको ऐसे ही बीच बीच में हिलाते जाएंगे और अब हम इसमें ये चीनी ऐड कर देंगे ताकि चीनी भी साथ साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छे से पकने लग गया, देखिए गाढ़ा होने लग गया है। इसको हम थोड़ी सी देर के लिए और पकाएंगे। ऐसे इसको नीचे से बीच बीच में हिलाते जाएं वरना ये नीचे लग जाते हैं। ये ईद स्पेशल डेजर्ट है, देखिए बहुत ही जल्दी बनके तैयार होने वाली डिश है ये। बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है और इस खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ऐसे ही हम इसको थोड़ी सी देर के लिए और पका लेंगे। ये सेवैयां ठंडी हो गई हैं। अब हम इसमें फ्रूट ऐड कर देंगे। ये हमने कुछ अंगूर काट लिए हैं, ये थोड़े से काले अंगूर काट लिए हैं और ये सेब काट लिया है और कुछ अनार काट लिया है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक बाउल में निकाल लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। सेवैयां डिजर्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय। बहुत ही टेस्टी डेजर्ट बनके तैयार है। देखिए इसका कितना अच्छा सा कलर हो गया है। और अब हम इस पे गार्निश के लिए ये कुछ अनार डाल देंगे। ये अंगूर और ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अगर आपने इस तरीके से सेवैया डेजर्ट बना के खा लिया तो आप बार बार बना के खाएंगे सेवैया डेजर्ट। देखिए कितना टेस्टी बन के तैयार हो गया है। ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है और खाने में उससे भी कहीं ज्यादा
टेस्टी है। देखिए कितना टेस्टी डेजर्ट बनके तैयार है। अगर आपने इसे एक बार बना के खा लिया तो आप बार बार बना के खाएंगे इसे।